अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ मसरूफियत थी जिस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए माजरत। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ड्रमस्टिक्स, तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं 7 अदद चिकन लेग पीस, 3 अदद बॉइल्ड पोटैटोज, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, ब्रेड क्रम्स, 2 अदद अंडे और मैदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन लेग पीसेस को बॉईल करना है, तो उसके लिए मैंने एक जग पानी लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन लेग पीस। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, और फिर अच्छे तरीके से इनको बॉईल होने देना है। और जब ये नरम हो जाएगा हमारा चिकन, उसके बाद हमने इसको निकालना है। फोर्टी फाइव मिनट्स में हमारा चिकन अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है और मैंने इसको निकाल लिया है, और साथ ही मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। अब तमाम लेग पीस से गोश्त को अलग कर लें। लेग पीस से गोश्त अलग हो चुका है, लेकिन हमने हड्डी को फेंकना नहीं है। अब गोश्त को नाइफ से बारीक बारीक काट लेना है। चिकन बिल्कुल बारीक हो चुका है। अब मैं मैश पोटैटोज के अंदर इसको डाल दूंगी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। नमक इसका मैंने टेस्ट किया तो मुझे कम लग रहा था, इस वजह से मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया है। अब हमने इस तरीके से चिकन ड्रमस्टिक को बनाना है। अब इसको अंडे के अंदर और मैदा और ब्रेड क्रम्स में लगा के रेडी कर लेंगे। बाकी भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसके अंदर इसको फ्राई कर लूंगी। Thank you.
लाइट ब्राउन हमने इसको फ्राई करना है। बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है, मैं इसको टर्न कर दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी सिक जाए। मज़ेदार ड्रमस्टिक्स बिल्कुल तैयार है, फ्राइज़ के साथ इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।